लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव मोदी राजस्थान में कांग्रेस के अतीत पर हमले से भाजपा का भविष्य सुधारने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और कांग्रेस अतीत पर निशाना साधते हुए भाजपा के सियासी भविष्य को सुधारने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के तीन सच हैं, नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार। मोदी ने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने 10 दिन में किसान कर्ज माफी के वादे किए थे, कर्ज माफ क्या हुआ? कर्ज माफ हुआ क्या? राजस्थान में पानी का मुद्दा उठाते हुए मोदी ने कहा कि अब सरकार बनते ही अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे, समुद्र का पानी मीठा करके सूखाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाएंगे। उनका भाषण कांग्रेस के अतीत, आतंकवाद और पाकिस्तान पर फोकस रहा, तो अपनी प्रतिदिन की उपलब्धियां भी मोदी ने गिनाई। मोदी ने उपस्थित जनता से पूछा कि आपको पाकिस्तान को जवाब देने वाली सरकार चाहिए या आतंकी हमले के बाद चुप बैठने वाली सरकार चाहिए, देश को कमजोर बनाने वाली कांग्रेस चाहिए या मजबूत बनाने वाली भाजपा चाहिए। मोदी ने पहली बार वोट देने वाले युवकों से 21वीं सदी के निर्माण के लिए वोट देने की अपील की, तो यहाँ भी कहा कि मोदी हर दिन पल पल और पाई पाई का हिसाब देता है और मोदी भी लेता है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जताया खेद, कहा चुनावी आवेश में दिया बयान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत तरीके से पेश करने से जुड़े मानहानि के मामले में खेद जताया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा कि उन्होंने चुनाव के आवेश में आकर ऐसा बयान दे दिया है और इसका उन्हें खेद है। राहुल ने कहा कि वे मानते हैं राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो उन्होंने कहा वैसा कोर्ट ने नहीं कहा था। मानहानि का यह मामला बीजेपी की मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा कि राफेल से जुड़े लीक हुए दस्तावेज पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की बात को राहुल ने लगातार गलत तरीके से पेश किया और यह अदालत की अवमानना है। दरअसल राहुल ने रायबरेली में बात करते हुए कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जान गया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इसी बयान को लेकर मीनाक्षी लेखी ने अवमानना का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया था। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।